वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि आर वन अपान एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस आर टू अपान एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए प्लस आर थ्री अपान एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इज इक्वल टू थ्री अपान आर। तो हमें ये वाले साइड से ये वाला साइड लाना है, तो ये प्रूफ करना है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का एलएचएस साइड ले लेते हैं। आर वन अपान एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, आर टू अपान एस माइनस सी एस माइनस इंटू एस माइनस ए, आर थ्री अपान एस माइनस ए एस माइनस बी। अब ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगाते हैं आर वन आर टू आर थ्री का। तो R1 का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपान एस माइनस ए, साथ में ये लिखा एस R1 का फॉर्मूला हुआ डेल्टा अपान एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी नीचे दिया हुआ है। इसी तरीके से R2 का फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा अपान एस माइनस बी, R2 का फॉर्मूला लगाया डेल्टा अपान एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस सी, इसको हमने क्रम में लिख दिया। आर थ्री फॉर्मूला होता है डेल्टा अपान एस माइनस सी, तो एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेने से अच्छा है ये तीनों सेम नंबर दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा थ्री डेल्टा अपान एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तीनों सेम साइड तीनों सेम टर्म्स है, इसलिए थ्री टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं फार्मूला बनाने के लिए, थ्री डेल्टा एस और ये हो गया पूरा डेल्टा स्क्वायर। ये फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका फार्मूला होता है डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा से डेल्टा पावर टू कैंसिल हो गया, पावर टू पावर कम हो गया, थ्री एस अपान डेल्टा, तो ये हो गया थ्री इंटू आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपान एस, लेकिन यहाँ पे एस अपान डेल्टा है, सो इसलिए इसको हम डेल्टा अपान एस के फॉर्म में पहले लेंगे और ये हो जाएगा थ्री डेल्टा अपान एस का फॉर्मूला होता है थ्री आर के, मतलब थ्री और डेल्टा अपान एस को आर कहते हैं, इसलिए थ्री अपान आर हो गया। तो इस तरीके से एलएचएस साइड से आरएचएस साइड प्रूफ हो जाता है फार्मूले बेस पे। सेकंड क्वेश्चन, वन अपान बी सी प्लस वन अपान सी ए प्लस वन अपान ए बी इज इक्वल टू वन अपान टू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो सेकेंड फॉर्मूले में सेकेंड क्वेश्चन में एल एच एस लेते हैं वन अपान बी सी प्लस वन अपान सी ए प्लस वन अपान ए बी, इसमें एलसीएम लेते हैं तो ए बी सी आएगा ए बी सी, ये फॉर्मूला आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या बोलते हैं, टू एस बोलते हैं और ये ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया और आर इसको हमें वन इस कैपिटल आर इसको आर लाना है, आगे का पोर्शन हमें कैपिटल आर के फॉर्म में लाना है। तो आर का फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा, तो हम क्या करते हैं आर फोर आर डेल्टा लेते हैं और ए बी सी, तो ए बी सी की जगह हमने फोर आर डेल्टा कर दिया, ये आर का फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा। तो हमने ए बी सी की जगह क्या कर दिया, ए बी सी की जगह फोर आर डेल्टा, फोर आर डेल्टा कर दिया, फोर आर डेल्टा टू टू वन जा टू 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 जा फोर, तो टू से टू कैंसिल हो गया, टू टू जा फोर से फोर टू से कैंसिल हो गया, अभी हो गया एस अपान टू आर डेल्टा। और अब हमें लाना है आर कैपिटल आर हो गया स्मॉल आर लाना है, तो ये देखिए तो ये वन अपान टू आर यहीं रहने देते हैं और इसको हम नीचे ले लेते हैं,
ये इस तरीके से किया जाता है क्योंकि जब कोई टर्म्स जो होता है इस फॉर्म में होता है ए अपान बी अपान सी, तो सीधे सीधे ए सी अपान बी हो जाता है। तो इस फार्मूले बेस पे ये तरीके से इसको नीचे लाया गया। अब वन अपान टू आर और डेल्टा अपान एस जो होता है किसका फॉर्मूला होता है, आर का फॉर्मूला होता है, इसको स्मॉल आर कर दिया, ये हो गया आर एच एस साइड्स के इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, स्मॉल ए इज इक्वल टू आर टू प्लस आर थ्री इंटू स्क्वायर रूट के अंदर आर आर वन अपान आर टू और आर थ्री। तो क्या करते हैं, आर एच एस साइड ले लेते हैं, आर टू और आर टू प्लस आर थ्री स्क्वायर रूट के अंदर आर आर वन अपान आर टू और आर थ्री। तो डेल्टा अपान एस माइनस बी डेल्टा अपान एस माइनस सी। आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा पान एस, आर वन फॉर्मूला होता है डेल्टा पान एस माइनस ए। तो इसी तरीके से आर टू का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला पलट जाएगा। तो जब आर टू का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो फॉर्मूला पलटेगा, तो ये हो जाएगा एस माइनस बी अपान डेल्टा एस माइनस सी अपान डेल्टा, ये फॉर्मूला होगा। डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, तो इसमें डेल्टा कॉमन ले लेंगे, तो वन अपान एस माइनस बी प्लस वन अपान एस माइनस सी, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए। डेल्टा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये एस माइनस सी इधर आएगा प्लस एस माइनस बी, तो ये एस इंटू हमें ए लाना है, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए। डेल्टा ये टू एस माइनस बी माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए। तो डेल्टा टू एस की जगह ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, माइनस बी माइनस सी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए। तो माइनस बी प्लस बी से कैंसिल, माइनस सी प्लस सी से कैंसिल। सिंपल करने पर डेल्टा इंटू डेल्टा ब्रैकेट में ए अपान एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए, ये आया। हमको लाना है स्मॉल ए। अब ये कैसे कैंसिल होगा, इसमें क्या करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो क्या करते हैं इसमें, एस माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एस स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए किए क्योंकि एस इंटू एस माइनस ए
से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, और ए ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये जो है स्क्वायर रूट का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो इसको हम कह सकते हैं डेल्टा, और ये जो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा था बाहर आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा डेल्टा का मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा स्क्वायर इंटू ए और एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो डेल्टा स्क्वायर ये भी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ए आ जाएगा, और ये एल एच एस साइड के इक्वल आ रहा है, तो इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन भी, फोर्थ क्वेश्चन, यदि स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर रेशियो आर वन का जो रेशियो है 2:5:12 का है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में किसी एक एंगल को अगर 90 डिग्री आप प्रूफ कर देते हैं तो वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको ये गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो यहाँ पे आर रेशियो आर वन रेशियो आर आर रेशियो कैपिटल आर रेशियो आर वन 2:5:12 ये है। आप ध्यान से देखिए, आर का फॉर्मूला होता है 4R साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, इसको ये आया। अब हम इसको क्या करते हैं, R अपान 4R इसको ऐसे लिख लेंगे साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, इक्वेशन फर्स्ट। अभी इक्वेशन फर्स्ट नहीं, यहाँ पे R और स्मॉल R, तो R और कैपिटल R का जो रेशियो है 2:5 का है, तो 1/4, तो R और कैपिटल R का रेशियो है 2:5 का, तो हम इसकी जगह 2:5 रख देंगे। R रेशियो R 2:5 का रेशियो हुआ, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये हो गया 1/10 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अब इसी तरीके से देखिए, इसमें साथ में आर भी है 10R, नो 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 इसमें आर नहीं है, आर का सो रेशियो लग गया 1/10 हो गया। अब इसी तरीके से आर वन का फॉर्म लगाते हैं क्योंकि आर के फॉर्म में तो था ही, रेशियो हो गया। अब यहाँ पे 4R साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, अब यहाँ पे R1 अपान 4R साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ये 1/10 है। अब यहाँ पे R1 अपान R, तो यहाँ पे 1/4 इंटू R1 अपान R का जो रेशियो का R1 ये है, R1 का रेशियो है 12 और कैपिटल R के रेशियो है 5, तो इसको हम इसी के अकॉर्डिंग R1 रेशियो कैपिटल R इक्वल टू 12 रेशियो 5 के होगा, 12 रेशियो 5 के होगा। तो रखते हैं R1 की वैल्यू है 12 और कैपिटल R की वैल्यू है 5, तो साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, तो ये 4 1 4 4 3 12 3/5 हो जाएगा, साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, तो इस तरीके से ये आया। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन टू मानते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन टू से 1 घटाने पर, तो जब हम इक्वेशन टू से जब घटाएंगे तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, घटाने वाला प्रोसेस है क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, इसमें से साइन ए बाई टू कामन है तो हम साइन ए बाई टू कामन ले लेते हैं, तो बचता क्या है, तो पहले कॉस बी बाई टू आएगा इंटू कॉस सी बाई टू माइनस
साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ये फार्मूला हो गया। अब 3/5 माइनस 1/10, इस आर एच एस साइड को घटा दिया और एल एच एस साइड को घटा दिया, तो 3/5 1/10 तो घटाने पर ये आया। अब सिंपल सा ये फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए बाई टू। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो होता है वो इसका कॉस बी कॉस ए प्लस बी होता है जब यहाँ पे साइन माइनस का होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा, क्योंकि जब बी प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, बी बाई टू प्लस सी बाई टू का एलसीएम जब लेंगे तो बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा इस तरीके से। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर हम दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो ये आएगा बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा एलसीएम लेने पर। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 10 और ये 6 हो जाएगा, 5 2 10 और 10 हुआ तो जब 10 हुआ तो 2 आया, तो 2 3 6 माइनस 1, तो ये हो गया साइन ए बाई टू। अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं 90 माइनस ए बाई टू। अब ये कैसे हुआ तो क्वेश्चन में दिया है ट्राइंगल ए बी सी में, जब ट्राइंगल ए बी सी तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। जब इसमें से 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी प्लस सी दिया है तो बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा और 90 माइनस ये माइनस ए बाई टू हो जाएगा इस तरीके से। तो बी प्लस सी बाई टू को 90 माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं। अब ये 6 में से 1 गया तो 5/10 हो जाएगा। अब कॉस 90 माइनस ए बाई टू साइन ए बाई टू। अब यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइन ए बाई टू हो जाएगा। अब 5 1 5 5 2 10 1/2 हो गया। अब ये जो है साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू साइन स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा, अब 1/2 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए बाई टू यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ये 1/√2 के फॉर्म में आ जाएगा। जब √2 के फॉर्म में आ जाएगा तो साइन ए बाई टू, तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है। तो साइन 45 वैसे तो कॉस 45 की वैल्यू यही होती है, लेकिन यहाँ पे साइन दिया है इसलिए हमें साइन के रूप में लेना है। अगर यहाँ पे कॉस होता तो कॉस तो हम कॉस के रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन दिया है इसलिए हमें साइन की वैल्यू साइन के फॉर्म में लेना होगा। अब साइन साइन ये कैंसिल हो जाता है तो ए बाई टू 45 डिग्री हो जाएगा। अब ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, 45 2 90 होता है। तो इस तरीके से ए जो है 90 डिग्री है। जब ए 90 डिग्री निकल आता है तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ए जो है 90 डिग्री निकल रहा है, एंगल ए की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज होगा। अब इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन में एल एच एस साइड लेते हैं। एल एच एस साइड सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू एस अपॉन आर, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। अब आपको ये तो पता है ना ए की वैल्यू जो होती है 2R साइन ए होता है, बी की वैल्यू जो होती है 2R साइन बी होता है, सी की वैल्यू होती है 2R साइन सी होता है। अब हमें जब हमें ये निकालना है तो इस तरीके से जब निकलेगा तो 1/a/2R साइन ए के हो जाएगा, b/2R साइन बी के हो जाएगा, c/2R इज इक्वल टू साइन सी के हो जाएगा।
तो बस हमें फार्मूला बस आपको वही पता है ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला। तो यहाँ पे साइन ए की जगह क्या लिखेंगे, ए अपॉन टू आर, बी की जगह बी अपॉन टू आर लिखेंगे और सी की जगह सी अपॉन टू आर लिखेंगे। तो जब टू आर एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो होती है वो टू एस के इक्वल होती है। और ये टू आर, टू से टू कैंसिल हो गया तो ये आ गया एस अपॉन आर, तो ये आर एच एस के इक्वल आ रहा है, इसलिए प्रूफ हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लगा के आप बड़ी आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। थैंक्स।